नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रूम हीटर होता है वो कितनी बिजली खर्च करता है। हाँ दोस्तों, कितने यूनिट खर्च कर देता है एक घंटे में, एक महीने में और एक साल में कितने बिजली खर्च कर देता है। तो दोस्तों, उसके साथ साथ ये बताने वाला हूँ कि रूम हीटर कितने वाट का होता है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी गारंटी वारंटी कितने साल की आती है, कितने मंथ की आती है, उसे कैसे परचेज़ करें, उसकी प्राइस बताने वाला हूं। और दोस्तों, उसके अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं उसके कितने वाट का आता है, कितने कितने वाट के आते हैं रूम मीटर, कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे पता चल सके कि रूम मीटर है वो कितनी बिजली खर्च करता है, अपने जो घर में होते हैं ज़्यादा करता है या कम करता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो ज़्यादा कमेंट आ रही थी भाइयों की कि सर ये आप मनाओ वीडियो कि रूम मीटर कितनी बिजली खर्च करता है, वाकई में कितनी यूनिट खर्च करता है, तो दोस्तों उस कमेंट के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो रूम हीटर होता है वो कितनी बिजली खर्च करता है। दोस्तों, कितनी बिजली खर्च करता है, बहुत सी कमेंट आई थी सर रूम हीटर कितनी बिजली खर्च करता है, कितनी लाइट खर्च करता है, तो वो ज़रूर बताएं कितने यूनिट आते हैं एक घंटे में और कितना चलाएंगे तो ज़्यादा बिल आएगा या कम आएगा। तो आज की इस वीडियो में उसकी कमेंटों का जवाब और उसके कमेंटों के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कम्प्लीटली देखना ना बोले, पूरी बताऊँगा और इसकी अनबॉक्सिंग भी इस वीडियो में करके बताऊँगा। सबसे पहले हम यूनिट के बारे में बताएँगे। दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, मेगा गोल्ड कंपनी का रूम मीटर है, 400 वाट से लेकर आप 3000 वाट तक रूम मीटर ले सकते हो, जिसमें दो प्रकार के आते हैं, एक तो फैन हीटर आता है और एक बिना फैन हीटर आता है, मतलब रोड लगे होते हैं उसमें एलिमेंट लगा होता है। इसमें दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ फैन हीटर है। तो दोस्तों, एक साल की तो वारंटी है इसकी, मेगा गोल्ड कंपनी का है, फैन हीटर है विथ पावरफुल जो मोटर है और इसकी जो फीचर वगैरह इसमें दी हुई है, मॉडल नंबर 102 है और कुछ प्रकार से जल्दी जल्दी इसके फीचर वगैरह देख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कितनी बिजली खर्च करता है। और अनक्यूबैक जो फीचर है, एडजस्टेबल थर्मोटल पावर, इंडक्टर लाइट और चार कलर इसमें आते हैं, वाइट, रेड, येलो, ब्लू। अब दोस्तों, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कितने लाइट खर्च करता है, क्या क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको बाहर हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने के बाद कुछ प्रकार से ये है, अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा उल्टा रखा हुआ है, दो इसमें खटके आए हुए हैं और ये ऐसे रखा का आएगा, मतलब ऐसे रखना है आपको। रूम मीटर है फैन वाला, ये है जो पंखा है और दो है इसमें। खास बात यह है कि गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में गर्म हवा देता है, यहाँ दोस्तों गर्म हवा देता है सर्दियों में और ठंडी हवा देता है गर्मियों में। तो दोस्तों, दो इसमें आए हुए, ये तो है ठंडी हवा का पंखा का आपको निशान दिख रहा होगा और ये है गर्म हवा का। और 400 वाट का ये है, साल भर की इसकी वारंटी है। और कुछ प्रकार से आपको पीछे से बता देता हूँ, पीछे से कुछ प्रकार से कैसे कैसे आता है, पीछे से कुछ प्रकार से स्टैंड आपको दिख रहे होंगे, दोनों रखने के स्टैंड है। अब दोस्तों, आपको बातचीत करते हैं हम कि कितनी बिजली खर्च करता है, आखिर जो रूम हीटर है वो कितनी बिजली खर्च करता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर मैंने जो गर्म पानी गर्म करने की इमरसन रोड होती है उसमें कितनी बिजली खर्च करता है वो मैंने वीडियो डाल दी है। तो अगर आप देखना चाहते हो, घर में आप यूज लेते हो कितनी बिजली खर्च करता है, तो आप देख सकते हो उसको, या मैं आपको आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। और दोस्तों, जो हीटर होते हैं आपको मैं दिखा दूँ, ये हीटर होते हैं 1500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट, 2500 वाट, ये कितनी बिजली खर्च करता है, तो ये भी मैंने आपको वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया, तो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, अगर आप चैनल पर देख सकते हो। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा रूम हीटर वाकई में कितनी बिजली खर्च करता है। तो दोस्तों, कितनी यूनिट खर्च करता है, सबसे पहले आपको बता दूँ ये है 400 वाट। वैसे रूम मीटर अगर 1000 वाट का आता है तो एक घंटे में एक यूनिट खर्च करता है। हाँ दोस्तों, 1000 वाट का अगर होता है रूम मीटर तो एक घंटे में एक यूनिट खर्च करता है, मतलब एक महीने में 30 यूनिट खर्च हो गए, तो एक यूनिट 8 रुपये का, मतलब एक दिन का 8 रुपये का खर्चा है। दोस्तों, ये 400 वाट है तो ये 0.40 यूनिट, मतलब इसको अगर आप दो घंटे चलाओगे, ढाई घंटे चलाओगे तब जाकर एक यूनिट बनेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूँ रूम मीटर है लगभग दो तीन घंटे तो चलेगा, मतलब एक दिन में 3 यूनिट ये रात रात में निकाल देगा। एक दिन जो दिन में अगर ठंडिया लेना चाहते हो तो एक घंटे में 0.40, मतलब एक जो यूनिट है वो 3 घंटे में, ढाई घंटे में एक यूनिट खर्च करेगा। तो ऐसे आप लगा लो, एक
दिन में अगर खर्च करता है ये एक घंटे में 0.40, तो तीन दिन में यानी ढाई दिन, तीन दिन में एक यूनिट खर्च करता है, तो लगाओगे आप तो तीन दिन में एक यूनिट हो गए तो 10 यूनिट एक महीने में खर्च करेगा। तो दोस्तों 400 वाट का हीटर के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके घर में ऑलरेडी 1000 वाट का, 1500 वाट का या हाई लेवल का रूम हीटर रखा हुआ, तो 1500 वाट का अगर हीटर है आपके पास रूम हीटर, तो डेढ़ यूनिट खर्च करेगा वो, एक घंटे में डेढ़ यूनिट खर्च करेगा। और आप अगर जैसे सिटी में रहते हो तो सिटी में 8 रुपये 9 रुपये यूनिट पर हिसाब से है, गांव में भी लगभग यही रेट चल रही है, तो एक यूनिट के 8 रुपये लगते हैं। वैसे आप जैसे महीने में अगर ये लगाओ 10 यूनिट खर्च करता है तो 80 रुपये का आपका बिल आएगा एक महीने में इस रूम, ओनली रूम हीटर का। तो दोस्तों इसमें खास बात यह है कि ये ठंडी हवा भी देता है, गर्म हवा भी देता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो कंपनी थी जिसमें रोड लगी हुई थी, और वो उसमें रोड लगी हुई थी वो फैन वाला नहीं था, उसको आप घर बैठे ठीक कर सकते हो, इसको भी घर बैठे ठीक कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर ख़राबी होती है वो जो मोटर होती है पंखे में, मोटर होती है वो ही ख़राब होती है, तो वो आप मार्केट से लाकर आप खुद भी चेंज कर सकते हो, घर बैठे सही कर सकते हो रूम हीटरों को। तो दोस्तों जो बिजली खर्च करता है वो मैंने आपको बता दूँ, दोस्तों ज़्यादा बिजली खर्च कर नहीं करता।